हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ अमन काला व्लॉग। तो आज आ गई है, आपको पता है होली आ गई है नज़दीक। मतलब आज क्या तारीख है, 15 तारीख। आज 15 तारीख है, मतलब 2-3 दिन में होली आए तो होली आने वाली है। तो उसके लिए आज हम गुजिया बना रहे हैं। तो उसके लिए अभी तो फिलहाल सूजी मम्मी भून रही है और मैं काटूँगा अभी काजू बादाम। अंदर जाता हूँ मैं पहले। और नारियल मम्मी ने घिस दिया है सुबह सुबह। बाकी कुछ काजू बादाम है, सौंफ है गोल्डी की। तो अभी मैं पहले इनके टुकड़े करता हूँ, दांत से नहीं चॉप करूँगा इनको बारीक, ताकि मिक्स होकर बढ़िया से एकदम बनाया जाए। तो ये काजू बादाम मैंने चॉप कर दिए हैं, नारियल सूजी भून चुकी है। और प्रोग्राम में है अभी कुछ बदलाव, वो तो मटेरियल तो सब रेडी हो गया, पर अभी अभी भाभी आई थी तो भाभी ने बोला कि दिन में बनाएंगे। पहले हमारा प्रोग्राम था कि सुबह के शिफ्ट में हम बनाएंगे गुजिया और दिन के शिफ्ट में ताई और के वहाँ बनेगी गुजिया। पर अभी भाभी ने बोला कि दिन में बनाएंगे और वो बनाएंगे परसों, तो हमने कहा चलो ये भी ठीक है। तो अभी 1:30 बज चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ जरा ताई को लेने स्कूटी पे। कल मैं ताई को छोड़ के आया था, कल ताई कोटद्वार गई थी अपना काम दिखाने। अब जरा आता हूँ, फ़ोन आया था कि आ जा भाई लेने, तो अब जाता हूँ जरा। A few moments later. तो मैं वापस आ गया हूँ ताई को लेके और मेरे हाथ में है सामान, जो थैला कल लेके गया था वही थैला अब नीचे लेके जा रहा हूँ मैं वापस। बस कल थोड़ा हल्का था और थोड़ा भारी है, तो मैं चलता हूँ घर पे। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, अब खाना खाऊंगा मैं घर जाके। उसके बाद हमने गुजिया बनानी है, गुजिया। तो गाइस अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ और अब मैं ज़रा भोजन कर लूँ। बोले तो लंच दाल भात, मसूर की दाल बनी है और भात बना है। और यहाँ पे मम्मी शुरू हो गई है मैदा गूंदने पे। मम्मी बताएगी कि क्या क्या डलता है मैदे के लिए। मैदा, 1 कटोरी घी, 1 कप दूध, गुनगुन पानी और अब वो लून चू। मुझे बन जाए तो 4 बजे तक फटाफट बन जाए ना, तब हम घास भी तो जान कटोन भी कन खेज घास हवा भी बन जाए कटे जा यार, सब कटे जान। हाँ वो भाई जान ना, तब डाल मैं इन्हें यार उन्हें जानू रहा लप लप भू गुनी देने। और अब हम करने जा रहे हैं गुजिया की शुरुआत। मसाला मम्मी ने पहले ही बना दिया जब तक मैं ऊपर ताई को लेने गया था, इतने मम्मी ने मसाला भी बना दिया। ये है मसाला, सब मिक्स कर दिया जो पहले दिखाया था ना उन्हें। सूजी थी, नारियल था, सौंफ थी, काजू बादाम थे, किशमिश थे, सब के सब इसमें मिक्स हो चुके हैं। मसाला देखो क्या मस्त लग रहा है, अब इसकी भरवान करेंगे। का कोनो देखो पप्पी, ये मशीन के कानो छे तू, तू तो मुंह मचे जानो छई तनी। ये तो ब्राव यार, लगा ले फुल छाई ना। और ये बन गई पहली गुजिया हमारी। क्या दुख जानी हाथ किसमें? मैदा था ही ना कंच जो नहीं तो मैदे ले आ इन 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 का गोला करना तो कटन से चक्कर। हां ये वो है तो नींद का ना रे विकास हो रो दे दे मुंह में पड़े पूरी को कर खांदा नहीं दुख दके का कितना यार कितना दुखना जन दिखाना है मजा। वो तो वहां वो मेरे हर मगर ही मिले तो रो लाते ही मैदा। ये भी बनाना छे अभी 800 ना शख जन 800 ना तिली खानी परो ये ने देखी दे मो के जानू नी डम टाइप है। हां तिली खानी आटा का गुजिया था, हमन तो नहीं खाना भाई साफ मना। एक किलो में कितनी बोली थी, 90 कितने बन गए कम से कम। पथरी पथरी तो सो भी भेजा ले। 2 hours later बस बस बन गई लगभग। मतलब 10 होए तो 15 होए जानी मु चुन चुंडी के ना, 10 बने तो 15 होए जानी। हमारी सेना बिल्कुल अटूट है। एक एक गुजिया बनाई है हमने जलपरी वाली, बिल्कुल एकदम
कभी फटी हुई गुजिया हो तो ऐसे रिपेयर कर सकते हो उसको। इस पे डिज़ाइन बना देंगे एकदम बढ़िया वाले। तो फाइनली 2 घंटे के बाद हमारी गुजिया रेडी हो चुकी है सारी। ये देखो ये है हमारी गुजिया और सामान, और ये बच गया मसाला इतना, कोई नहीं इसका हलवा बन जाएगा। और ये देखो ये ओपी गुजिया जो फट जाती है ना उनका साथ हमने ये सुलूक किया। 3 ऐसी बनाई है स्पेशल, 4 गुजिया। अब मम्मी तलेगी उनको, भर तो दिए हैं, मतलब 1 किलो था, 1 किलो मैदा और 1 किलो सूजी, 1/2 किलो सूजी, तो अब मावा वगैरह, तो उसमें कुल मिला के बना है 108 गुजिया बनी है, 108 गुजिया। और अब मम्मी उनको तलेगी, आग जला रही है फ़िलहाल, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, टहल के आता हूँ, मेरी कमर जाम हो गई है थोड़ी 2 घंटे से बैठे बैठे। ये चले गया रेत ताऊ जी, यार रोड़ी वे गया ही अलग, रेत वे गया अलग। और अभी हमारी गुजिया तलनी शुरू हो गई है, देखो ये देखो बिल्कुल क्लोज नज़ारा आपके लिए, एकदम सिर्फ आपके लिए है ये क्लोज नज़ारा। पहले तो कमर जाम हो गई बनाते बनाते, बेलते बेलते, मैं तो भरतने वाला हूँ और ये है बेलने वाले, और अब है बनाने की तैयारी। और इसको खाऊंगा मैं अभी, अभी नहीं मतलब बाद में, तो अभी तल लेते हैं। गुज्जा है वो, गुज्जा गुजिया नहीं है वो, गुज्जा गुज्जा। A few moments later. और ये गुजियाँ हो गई हैं रेडी हमारी तल के, और मम्मी ने लास्ट घाण रख दिया है जिसमें वो फटी हुई गुजियाँ क्या थी जो सैंपल बना रखे थे 4 भारी भारी, वो रखे हैं उसमें एंड में, ताकि मसाला अगर ख़राब भी हो तो आखिरी में ख़राब हो, पहले ना हो। और बाकी ये बढ़िया बढ़िया गुजिया, अभी मम्मी ने बोला कि इसका जी बनाया यहाँ पे, क्योंकि जी से गुजिया होता है, तो अभी मैं वो बनाता हूँ। देखो ये थी वो फटी हुई गुजिया जिनको मैंने टल्ले लगा के वापस से रीबॉन किया, और एक ये है भाई, इतनी करारी होंगी ना खाने में। फाइनली हमारी सारी गुजियाँ, अब इसको हम इसमें रख देते हैं। तो गाइस गुजिया का समारोह हो चुका है समाप्त, देखो हमने सारी गुजियाँ बना दी। और सबसे पहले मुंह खुण दर्द है ना, सबसे पहले मुंह खुण दर्द और हम बाद में खा दो। हां आप खोला मैं ना देर दे पहले मुंह खुण पितरो दे साथ सुख शांति रखे पकड़ो नहीं धर्म चली था। तो अब मैं और मम्मी साथ में चखेंगे गुजिया और बताएंगे स्वाद कैसा है। पहले मम्मी बताएगी कैसा स्वाद है, गजब को स्वाद, बहुत ही अच्छा, इतनी नरम, इतना स्वादिष्ट हो रही है ना, कैसे हो रही है, बहुत ही स्वादिष्ट। हैप्पी होली, हैप्पी होली। इस बार हमारा रिकॉर्ड रहा कि एक भी गुजिया नहीं फटी हमारी, एक भी गुजिया नहीं, मतलब तलते हुए फट जाते थे ना जैसे, एक भी नहीं फटी, सारी गुजियाँ एकदम बढ़िया निकली, चमन चट टिक टॉप एकदम, स्वाद एकदम नरम, ओपी मजा आ गया भाई, वाह मजा आया।